सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आ गए हम लोग सेम लोकेशन पे, बट आज अपने पास गाड़ी चेंज है। आज अपने पास ड्यूक 125 दो साल पुरानी। मैं आपको इसके ओनर से मिलवाऊंगा, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा दो साल के अंदर और क्या कुछ परफॉर्मेंस में चेंज आया है। तो चलिए दिखाता हूँ गाड़ी को क्लोजअप शॉट्स। तो है गाइस, ये है KTM ड्यूक 125 BSX मॉडल। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अभी तक ये कितना किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 28,000 किलोमीटर होने वाला है और ये गाड़ी दो साल पुरानी है। चलिए मिलवाते हैं आपको इसके ओनर से। तो भाई आ जाइएगा आप। हेलो भाई। तो हेलो भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई धर्म है। तो भाई गाड़ी चलना मजा आ रहा है आपको? भाई एकदम बढ़िया गाड़ी है, इसको चलाने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब तगड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ? भाई बहुत बढ़िया है गाड़ी है। तो भाई चलिए जानते हैं भाई के सभी एक्सपीरियंस को कि क्या दो साल में एक्सपीरियंस किया, क्या परफॉर्मेंस निकला इसका गाड़ी का। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप। तो भाई गाड़ी आपने कब लिया? भाई गाड़ी मैंने अप्रैल 2022 में लिया। 2022 में जी। तो मतलब सेल्फ परचेज या फिर पेरेंट्स? नहीं, मेरे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था। अच्छा अच्छा, तो कब लिया था? डेट वगैरह? डेट अप्रैल 2022। तो भाई तब से मतलब तगड़ी चल रही है भाई? एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं चला रहा हूँ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई मतलब माइलेज वगैरह क्या निकलती है गाड़ी? माइलेज भाई वही 37 के आसपास, मतलब कभी मैंने देखा नहीं, रिव्यू नहीं दिया इसका। तो मतलब पैसा भैया देते हैं क्या? नहीं भाई, मैं तो पैसे खुद के पॉकेट मनी से तेल डलवाता हूँ। चलिए चलिए ठीक है। तो भाई इसी गाड़ी को मतलब क्यों आपने कहा था परचेज करने के लिए, या फिर उन्होंने अपने आप? ये मेरे बड़े भाई की चॉइस थी, उन्होंने अपने मतलब पसंद से मुझे गिफ्ट किया। तो भाई इसमें आपको सबसे ज्यादा खास क्या लगा, इसका लुक्स या फिर स्पीड वगैरह? भागती है भाई, इसका लुक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसका स्पीड भी काफी अच्छा है मुझे। अच्छा अच्छा, तो भाई अभी तक लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग राइड कितना लेंगे आपको? लॉन्ग भाई मैं 122 मतलब किलोमीटर तक चलाया हूँ। अच्छा अच्छा, तो स्पीड क्या लगाया था आपने? स्पीड वही 95, 97, 98। मतलब ज़्यादा मैं नहीं चलाता हूँ। नहीं नहीं, इसे ज़्यादा मैं चलाता नहीं हूँ भाई। तो आप मतलब कि कोई कंफर्ट का इशू आपने फेस किया हो गाड़ी में? कोई कंफर्ट, एकदम कंफर्टेबल गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, बस जो बैक सीट पे बैठते हैं उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता होगा। कोई आपको मतलब इशू लगा हो आपको पर्सनली इशू वगैरह? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस अगर कूलिंग ऑयल नहीं रहता तो कभी कभी गाड़ी हीट होती है। अच्छा अच्छा, हीटिंग होती है? हाँ हीटिंग होती है। मतलब फील ज़्यादा फील होता है या फिर मतलब कि नॉर्मल? नहीं नॉर्मल होता है, ज़्यादा ज़्यादा हीट नहीं होता है, नॉर्मल रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो भाई इसमें आपको कुछ पर्सनल इशू फेस हुए हो आपको? भाई पर्सनल इशू एक फेस हुआ था, इसका जो बैक सॉकअप है। अच्छा अच्छा, ये लीकेज हो रहा था। तो आपने मतलब ध्यान नहीं दिया? हमने ध्यान नहीं दिया तो इसको मुझे चेंज करवाना पड़ा। काफी ज्यादा इस बार मुझे जो मेंटेनेंस में ज्यादा चार्ज काफी खर्चा पड़ गया होगा इसमें। तो 10,000 के आसपास पड़ा मुझे। 10,000 के आसपास मतलब सॉकर का 10,000? नहीं सॉकर का 10,000 नहीं, मतलब पूरा मिला के पूरा सर्विस हो गए 10,000 रुपए का। सर्विस में सॉकर भी चेंज हुआ था? हाँ सर्विस में सॉकर चेंज हुआ था। अच्छा अच्छा, तो भाई आप डेली मतलब कितना रन करते हैं इसको? मैं डेली 30-35 किलोमीटर तक चला लेता हूँ। अच्छा, क्या पर्पस है मतलब की स्टूडेंट हूँ? बस स्टूडियो आता हूँ यूट्यूब से घर और थोड़ा बहुत इधर उधर चाय पीने दोस्तों के साथ बस। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। तो भाई आपने लॉन्ग टर्म जो आपने बताया था 120 किलोमीटर चलाए थे आप, तो कुछ हैंडलिंग या फिर वाइब्रेशन इशू आपने फेस किया हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया एकदम ड्राइविंग करते गए थे, कोई दिक्कत नहीं आया था। अच्छा अच्छा, कंटिन्यू चलाए थे लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आया? प्रॉब्लम नहीं आई थी। इंजन हीटिंग वगैरह का कुछ नहीं? इंजन हीटिंग नहीं करता उतना, बस थोड़ा हीट हो जाता है, काफ़ी टाइम तक चलाते चलाते थोड़ा हीट हो जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। तो आपने कुछ ब्रेकिंग का सिस्टम कुछ इशू फेस किया? ब्रेकिंग सिस्टम भाई कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल चैनल एबीएस आता है? जी इसमें सिंगल चैनल एबीएस आता है, थोड़ा ब्रेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एसी अगर फ्रंट ब्रेक की देखे तो कुछ नहीं एसी मिलती है आपको? फ्रंट ब्रेक तो सही है लेकिन रियर ब्रेक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हाँ कंपनी से मतलब होना चाहिए कि इतना महंगा गाड़ी है तो गोल चैनल एबीएस होना चाहिए। तो भाई जैसे कि बाइक को आप नाइट में भी लेके जाते होंगे बाहर जी, जी तो इसमें हैलोजन बल्ब आता है जी, तो कंपनी से मतलब ये नहीं लगता है कि आपको एलईडी बल्ब भी होनी चाहिए? क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि एलईडी बल्ब होना चाहिए क्योंकि भाई लाइटिंग को एलईडी बल्ब देना चाहिए। लाइटिंग इफेक्ट क्या है मतलब कि डिम लो डिम है या फिर ब्राइट दिखता है इस चीज़? नहीं नहीं एकदम ब्राइटनेस सही है लेकिन एलईडी होना चाहिए, थोड़ा एलईडी होना चाहिए क्योंकि यार इतनी महंगी गाड़ी है 2 लाख के आसपास मिलती है जी भाई, तो भाई एलईडी तो होना ही चाहिए जी भाई, तो होना ही चाहिए। तो भाई इसमें मतलब कि इंजन कुछ आपको चेंज लगा हो परफॉर्मेंस में या फिर? जब टाइम से सर्विस नहीं होता है तो थोड़ा इंजन में प्रॉब्लम होता है, मतलब थोड़ा स्पीड कम होता है, गियर थोड़ा खटखट की आवाज़ करती है बस ऐसा, और कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि कितना किलोमीटर चलाते हैं आप तब सर्विस कराते हैं? मैं लगभग वही 4,000-5,000 किलोमीटर चलाने के बाद सर्विस करा लेता हूं। तो भाई इसमें आपका ग्राउंड क्लियरेंस का कुछ इशू फेस किया हो? क्योंकि काफ़ी नॉर्मल दो लोग बैठ जाते हैं, काफ़ी अगर ज़्यादा वेट है बंदा का तो लड़ता है मतलब कि? नहीं 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 ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी वेट है मेरे भैया का, वो बैठते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, और एग्जॉस्ट नोट में कुछ चेंज आपको मिला हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है, सब परफेक्ट है। परफेक्ट है सब। चलिए भाई, तो कुछ ऐसा कुछ आपको मेजर इशू फेस हुआ? मेजर इशू से याद आया, अभी जल्दी ये न्यूट्रल करने पे गाड़ी स्टार्ट होता है। हाँ। वैसे गियर में भी स्टार्ट हो जाता था। अच्छा, तो सर्विस करवाएंगे अभी? इशू प्रेजेंट में है गाड़ी में? अभी ये इशू प्रेजेंट टाइम में ही आया। चलिए मैं देखूंगा, राइड करेंगे तो जी भाई।
तो मतलब ये कब से आया है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम अभी 3-4 दिनों से है। 3-4 सही करवाने के लिए मैं सर्विस सेंटर पे ले जाऊंगा। ओके भाई ठीक है। तो भाई इसमें काफी ज्यादा पार्ट्स जो है प्लास्टिक के। जी भाई। तो बिल्ड क्वालिटी कैसा आपको मतलब एक्सपीरियंस हुआ? बिल्ड क्वालिटी मतलब उतना सही नहीं कर सकते कह सकते हैं, वैसे फिलहाल एक हिसाब से सही ही है। अच्छा ठीक, बाकी एक हिसाब से देखे तो सही ही है सब बिल्ड क्वालिटी। ओके। तो भाई सर्विसिंग वगैरह मतलब कि आपने इशू फेस किया हो कि टाइम बहुत लगाते हो या फिर बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हो? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तब भी 2,500 से 3,000 रुपये का खर्चा एक सर्विस में मेरा पड़ जाता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब कि बिहेवियर कैसा उनका? बिहेवियर सही है, KTM शोरूम वाले का बिहेवियर बहुत सही है। ओके ओके। तो भाई मैं जानना चाहता हूँ कि 2 साल के अंदर कुछ पार्ट्स चेंज करवाए आपने इसमें? अभी तक भाई मैंने कोई पार्ट चेंज करवाया नहीं है, अभी सॉकअप चेंज करवाया है और इसके चारों इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब क्या? इंडिकेटर टूट जाता है। अच्छा, मतलब कहीं गिरता हुआ। और भाई मैं जानना चाहता हूँ कि BS6 मॉडल है ना, तो काफी लोगों की शिकायत आ रही है कि आवाज वैसा नहीं रहेगा। हाँ भाई, BS4 में जो आवाज थी अब वो BS6 में वैसा बात नहीं रहा। अच्छा अच्छा, मतलब की आवाज चेंज हो गया है। बहुत चेंज हो गया। बहुत मतलब कैसा लगता है? वो वाली फील नहीं आती है जो पीछे पिछले में BS4 में था। अच्छा, उस आवाज की फील नहीं आती है इसमें। ठीक है भाई। तो भाई मैं जानना चाहता हूँ कि काफी लोगों को सीट्स का इशू आ रहा है, मतलब कि काफी हार्ड मिल रही है, तो क्या मतलब आपने भी फील किया ऐसा? मैंने फील किया इसको, थोड़ा KTM वालों को थोड़ा सॉफ्ट सीट लगानी चाहिए थी इसमें। हाँ, क्योंकि ज्यादा राइड करने काफी हार्ड लग रही है देखने में भी। और मीटर का क्या मतलब कि मीटर भाई काफी ओल्ड लुक है, थोड़ा इनको चेंज करना चाहिए, थोड़ा न्यू लुक में लाना चाहिए, स्टाइलिश थोड़ा, तो और देखने में अच्छा लगेगा। तो भाई काफी लोगों का कहना है कि KTM जो एक छपरी बाइक बन चुकी है। नहीं, आपने कभी ऐसा कमेंट फेस किया? मैंने भाई कभी ऐसा छपरी वाली हरकतें की नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले रोकवा लेते हैं। हाँ, मेरा मानना है कि यार लोग ज्यादा छपरी बन चुके हैं भाई। हाँ, इसी ऐसे लोग हैं, उन लोगों की वजह से हम लोग को रुका लिया जाता है यार ऐसा। तो जी भाई काफी बेहतरीन गाड़ी है, गाड़ी भाई Duke 125 बस इंजन में है। हाँ, तो Duke 390 का लुक है बिल्कुल, पार्ट देख सकते हैं आप, Duke 390 वाला लुक है। तो भाई क्या आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि ये बाइक लें वो लोग? भाई अगर उनका बजट बनता है तो बोले, यानी मतलब इस बजट में और भी बाइक हैं। अच्छा अच्छा। पल्सर NS 200 ले सकते हैं, MT 50 ले सकते हैं। है। अगर उनका बजट बनता है इस बाइक को लेने के लिए तो ले सकते हैं, मतलब सही है। हाँ, इसका बिल्कुल सब कुछ सही है, अगर उनका बजट बनता है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है भाई, लुक में भी काफी अच्छा लगता है ये। और मैं जानना चाहता हूँ कि भाई मार्केट में हीरो ने एक्सट्रीम 125R उतारा है। जी भाई, मतलब बाइक लुक काफी बेहतरीन लग रहा है, काफी मतलब पॉपुलर बन चुकी गाड़ी। हाँ, लुक है उनका भी, सही है भी। उसका भी लुक सही है, ऐसी गाड़ी है वो, बहुत बढ़िया गाड़ी है वो भी भाई। हाँ, स्पोर्टी लुक दिया है ना, तो काफी बेहतरीन लग रही है हीरो की तरफ से भी है। तो चलिए ठीक है भाई, तो चलिए गाइस मैं इसका एग्जॉस्ट सुनाता हूँ, उसके बाद मैं राइड करूंगा ताकि मालूम पड़े क्या पिकअप वगैरह है, क्या परफॉर्मेंस दे रही गाड़ी। चलिए पहले एग्जॉस्ट सुनाता हूँ। तो भाई हेलमेट दे दीजिएगा आप। सो भाई सेफ्टी फर्स्ट।
इस गाड़ी को राइड किया, काफ़ी मतलब ठीक लगा। सीट्स की थोड़ी इशू लगी, थोड़ा और सीट सॉफ्ट हो सकता था, साथ ही मुझे पिकअप काफ़ी कम लगा और परफॉर्मेंस ठीक है गाड़ी की। तो भाई कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस को? मैं ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ भाई कि गाड़ी तो काफ़ी सही है, लेकिन जितने की ये बाइक है इसके रेंज में और भी अच्छी अच्छी बाइकें मार्केट में हैं, चाहे तो ऑडियंस ले सकते हैं, बहुत सारी बाइकें आ गई हैं मार्केट में। बट क्या है, थोड़ा KTM जो है थोड़ा लुक पे लोग लेते हैं और नाम पे बिकता है KTM। वो तो नाम है भाई गाड़ी। बाकी मैं ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ भाई, बाइक के चैनल को सब्सक्राइब करें भाई और लाइक करें, शेयर करें भाई। तो भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, साथ ही फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।